सो है गाइस, आप सभी कैसे? सारे आप सभी तो एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पिक्सार्ट एप्लीकेशन की मदद से कुछ इस तरह की ईगल कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। सो अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और गाइस, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया तो गाइस फॉलो ज़रूर कर देना। सो चलिए गाइस, वीडियो कर चलते हैं। सो सबसे पहले गाइस, आपको अपने मोबाइल में पिक्सार्ट एंड लाइटरूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, आपको सबसे पहले पिक्सार्ट को ओपन कर लेना है। पिक्सार्ट ओपन होने के गाइस आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और ऑल फोटोज़ पे क्लिक करना है। गाइस आपको अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। सो गाइस, ये हमारा बैकग्राउंड है, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है जिप फाइल के साथ। सो गाइस, नीचे की तरफ आपको चले जाना है और ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो पे क्लिक करना है गाइस, आपको अपने इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। देन गाइस आपको नीचे की तरफ जाना है और इस कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस पीएनजी को अच्छे से आउटलाइन दे देनी है। तो इस तरह से गाइस हमें आउटलाइन दे देनी है और डन कर लेना है। देन गाइस हमें इसे अच्छे से इरेज कर लेना है। देन गाइस हमें ऊपर की तरफ सेव का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है और इसे अपने बैकग्राउंड में अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। सो कुछ इस तरह से गाइस आपको अपने बैकग्राउंड में इसे एडजस्ट कर लेना है। देन गाइस आपको ऊपर की तरफ डन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है। देन आपको अगेन ऐड फोटो में जाना है और अपने फोटो को ऐड कर लेना है। देन गाइस आपको नीचे की तरफ कटआउट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर जाना है और अपने फोटो को आउटलाइन दे देनी है। आपको गाइस अच्छे से आउटलाइन दे देनी है ताकि फोटो में कुछ प्रॉब्लम ना आए। सो इस तरह से आप आउटलाइन दे दिए। तो गाइज हमने कुछ इस तरह से अपने फ़ोटो को कटआउट कर लिया है। देन गाइज आपको सेव पे क्लिक करना है और गाइज अपने फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर देना है। तो हमने इस तरह से अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लिया है। देन गाइज आपको ऊपर की तरफ डन का बटन है, उस पर क्लिक करना है। देन गाइज आपको अगेन ऐड फोटो के अंदर जाना है और इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। देन गाइज आपको नीचे की तरफ ब्लेंड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। गाइज आपको नीचे की तरफ डार्कन लिखा है वहाँ पे, मतलब उस पर सेट कर देना है और अपने पीएनजी को कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है। तो आप इसे अच्छे से लगा दीजिए अपने बैकग्राउंड और फोटो के बीच में। तो गाइज हमने कुछ इस तरह से अपने बैकग्राउंड में पीएनजी को ऐड कर लिया है। डन गाइज आपको डन कर लेना है। डन गाइज आपको ये सेव का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लेना है। देन गाइज आपको अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन होने में गाइज आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और अपने फोटो को ऐड कर लेना है। सो गाइज हमारी फोटो ऐड हो चुकी है। देन गाइज आपको ऑल फोटो पे क्लिक करना है और अपने फोटो को ओपन कर लेना है। सो गाइज हमने अपनी फोटो को ओपन कर लिया है। देन गाइज आपको नीचे की तरफ इस कलर्स के ऑप्शन पे जाना है। कलर्स के ऑप्शन पे जाना है गाइज, आपको टेम्परेचर को -5 पे कर देना है।
टिंट को +5 पे और वाइब्रेंस को 10 पे रख देना है और सैचुरेशन को 5 पे रख देना है। देन गाइस ऊपर आपको मिक्स कलर पे क्लिक करना है। मिक्स कलर पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लू कलर पे चले जाना है और ह्यू को -23 एंड सैचुरेशन को भी आपको 27 कर देना है और लुमिनेंस को -27। देन गाइस आपको डन कर लेना है और नीचे के इस पे जाना है। सॉरी गाइस आपको ये ग्रेडिंग के ऑप्शन पे जाना है और गाइस कुछ इस तरह से आपको इसमें एडजस्टमेंट कर लेना है। देन गाइस आपको डन करने के नीचे के ऑप्शन पे जाना है और टेक्सचर को -10 पे रख देना है और क्लियरिटी को थोड़ी हाई कर देना है 34 पे और विगनेट को आप -12 पे कर दीजिए। सो गाइस कुछ इस तरह से हमारी फ़ोटो तैयार हो चुकी है। देन गाइस आपको ऊपर शेयर के बटन पे क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस पे क्लिक करना है। सो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।